बच के सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हटके बच के सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, ओरे चिपकली, ओरे चुंदर। रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट, दूर करो ये टेंशन। हटके बच के सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियां खोल के देखो दिल की खिड़कियां, इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, सरा सरा सी अनबन। हटके पटके सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। किसी की मदद की जरूरत है, चल सोनिया। लेकिन हम जाएं कहां? अरे बेटा, to your right, this is your room, enter. Abhishek, ये है ना रूम? No. No, yes. yes, ये है. Go. Enter. हाँ हाँ, चल, सुनो. मैं तुम्हारे ये सामान लेके उधर चलता हूँ. अबे अभिषेक, मेरा वो नाइट सूट लाया क्या टेलर से? भूल गया. कोई बात नहीं, मैं ले आऊं. क्या तुम्हारा रूम अभी रिफ्यूजी? अपना घर बार तो है नहीं, हमारे घर पर कब्जा कर लिया, अब तुम भी बनोगे रिफ्यूजी अपने ही घर में. कुछ करो अभी भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन सब लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, राइट मॉन्टी? नहीं, हाँ हाँ. शक्लें देखिए उनकी, एक से एक नमूने. और वो छोटी लड़की तो क्या नाम है उसका? मिन्नी, क्यूट किड ना. क्यूट? क्यूट माय फुट. कपड़े देखिए उसके, ऐसे लगता है जैसे उसकी मम्मी ने अपने हाथों से सिए हैं, और वो भी घर का काम काज झाड़ू पोछा करने के बाद, जैसे हमारी काम वाली बाई करती है. भगवान जाने डैडी ने सौरभ से शादी क्यों की है, ऊपर से पूछते मेरा वो नाइट सूट आ गया. इससे तो अच्छा होता हमारे लिए आया ला देते. अरे कोई भी आया, पर नहीं, माँ देना चाहते ना हमें. हॉरिबल माँ एंड इवन मोर हॉरिबल किड्स. अब हम नादान बच्चों का क्या होगा? मिनी 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 बेटा, वो इम्पोर्टेड वाज है, कहीं तुम्हारे हाथ से गिरकर टूट ना जाए. लाओ मुझे दे दो. क्या फर्क पड़ता है माँ, वैसे भी हमारे 2000 चॉकलेट का नुकसान कर ही दिया है ना. मैं इसे बाहर हॉल में रखकर आती हूँ. क्या जरूरत है? विजय क्यों? अच्छा देखिएगा ना, वहां जो कुछ भी कमाया सभी उसी बॉस ने खर्च कर दिया, तभी तो इतने प्यार से साफ कर रही है. चलो इसे तोड़ देते हैं. मोंटी चाबी को ले लिया. नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कुछ करेंगे
तो ये औरत हमें घर से बाहर निकाल देगी। आंटी, हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने वाला। आइडिया, हम लोग इसके बच्चों की पिटाई करते हैं, तुम दोनों उस लड़की को संभालना, मैं अकेली ही उन दो लड़कियों के लिए काफी हूँ। ओके, कैसा लगा मेरा प्लान? विजय, नैनी, एक बात बता देती हूँ, तुम उनके मुंह मत लगो, बस अपने काम से काम रखा करो। पागल हो गए हो क्या? मैं उनसे बात तो जरूर करूँगी। I'll be so sweet to them. और फिर मैं ऐसा मजा चखाऊंगी खास उस रचना को। शेखर, 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 आज इस घर में महाभारत होने वाला है, और जब दोनों साइडें सोचती है कि वो ही पांडव है, तब तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाता है। शेखर, पांडव? हाँ, हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी, खासकर इतने बड़े बच्चे होते हुए। क्या बात कर रहे हो शेखर? शेखर, रिलैक्स, रिलैक्स। अरे, give them some time, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। Give them some time? उन्हें और थोड़ा टाइम देंगे तो चाकू से एक दूसरे का गला काट देंगे, महाभारत से हॉरर शो हो जाएगा। हॉरर शो तो बहुत डेंजरस होगा। और शिका, अभिषेक है ना, अभिषेक बहुत डेंजरस है, उसके पास एक वो है, वो क्या है? रामपुरी। रामपुरी क्या? चाकू। चाकू? हाँ, अभिषेक के पास चाकू है? है। और ये तो कुछ भी नहीं, ये मोंटी है ना, मोंटी। क्या बताऊं तुम्हें, पागलपंती की हद हो गई है। खून खराबा, हॉरर शो, ये सब VCR में रिकॉर्ड करता है और रात को बैठ के देखता है। अभिषेक है ना, अभिषेक, इससे कभी बहस नहीं करना। नहीं करूंगी। अगर बहस करोगी ना तो मारी जाओगी। मैंने किया था, मैं फंस गया था। एक तो वो हारता नहीं, और अगर हार गया तो छोड़ता नहीं, दो दिनों के लिए बाथरूम में यूं बंद कर देता है। शिखा, तुम कितना डर गई। अरे, उन्हें अपने हाथ पे छोड़ दो, अपने आप सीधे लाइन पे चले आएंगे। नहीं शिखा, शिखर, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। शिखा, क्या करोगी? देखो शिखा, तुम्हारे बच्चों को एक बाप चाहिए था, वो मिल गया, और मेरे बच्चों को एक माँ चाहिए थी, वो भी मिल गई। रचना के लिए कितना अच्छा हो गया, इस उम्र में बिचारी कितनी अकेली हो गई थी। क्या उम्र है उसकी? ये तो मुझे भी नहीं पता, घर में होती है तो 14 साल की होती है, और जब बस की टिकट लेनी होती है तो 11 की हो जाती है। हाय रचना, पीछे पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। सॉरी, कम ऑन, लेट्स बी फ्रेंड। कम ऑन। क्यों खून? डैडी, डैडी, हमसे जो टकराएगा वो जिंदगी भर पछताएगा। बस, हो गया। देखो बेटा, तुम लोग आपस में दिन भर ऐसे खिटपिट करते रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें आपस में प्यार से पेश आना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। अभिषेक सुनो बेटा, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? सबके साथ प्यार से रहना सीखो बेटा। ऑल ऑफ यू बहुत दुख सहे हैं उसने, और हमने भी। लिसन टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, गुड। हमने भी दुख तकलीफें सही है। क्यों? तुम्हें याद है ना रचना, जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से हम सबको छोड़ के चली गई थी तो कितना रोई थी बेटा, तुम रोई थी ना, तुम्हें माँ चाहिए थी ना, तुम्हारी माँ आ गई। अब तुम लोग उनके साथ शराफत से पेश आओगे तो वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना तुम्हारी मम्मी करती थी। उसने आपसे शादी सिर्फ आपके पैसों के लिए की है, वो क्या हमसे खाक प्यार करेगी? लो रचना, चपाती ले लो। अभिषेक, चपाती मोंटी को भी दे दो। डैडी, Thank you.
रचना, तुम्हें मेरा कुकिंग कैसे लगा? तुम्हें आलू मटर बहुत पसंद है ना? रचना, तुम्हारी मम्मी ने कुछ पूछा ना? Where are your manners? जवाब दो। जी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे आंटी जी नहीं अच्छी लगती। ये आलू मटर है या कद्दू का भरता? अच्छी। रचना, तेरे मुंह तो आईने में जाके देख, फिर पता चलेगा कद्दू क्या होता है। मिनी, so sad, वो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है। मिनी, बहुत हो गया। ये मेरे डैडी नहीं है, मेरे डैडी मर चुके हैं। He is dead, understand मम्मी? तू हमारी फैमिली का है, बैठ। अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैंने शेखर से शादी की है, वो अब तुम्हारे डैडी है। हमें इसी घर में रहना है मिलजुल कर, और वो तभी होगा जब तुम तीनों ठीक तरह से बिहेव करना सीखोगे। लो, अब ये क्यों उठा के ले आए? ये हमारे कमरे में रहेगा, हमारा है ये। ये ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये हम सबका है। आज से इस घर की हर चीज पर हम सबका अधिकार है। ऐसा आप समझती हैं मामी, लेकिन वो लोग तो हमें इस घर से निकालने पर तुले हुए हैं। इससे तो बेहतर है कि हम ही लोग यहाँ से निकल जाएं। मामी, सबको दुखी करके क्या फायदा? मैं सब सामान पैक कर देती हूँ। ले, इसे भी पैक कर दे, भले ही टूट जाए, लेकिन इधर नहीं छोड़ूंगा उन लोगों के लिए। ये वाज मैंने खरीदा है और मैं डिसाइड करूंगी ये कहा जाएगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जब तुम उन बच्चों को अपना दोस्त मानोगे तभी वो तुम्हारे दोस्त बनेंगे, है ना? एक बार शेखर को डैडी बुला कर देखो, उसे एक चांस तो दे दो। डैडी और उसे? नो नो नो, मैं उसे मम्मी मम्मी नहीं बुलाने वाली। मेरी जानू, उसे एक चांस तो दे, है ना? हाँ, चांस दीजिए। फिर देखिए, हमारे बोर्डे बिस्तर पैक करके हमें किसी बोर्डिंग स्कूल भेज देगी वो, और राज करेगी इस घर पर अपने तीन बंदरों के साथ। अभिषेक, तुम्हें अपनी नई मम्मी के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? नई मम्मिया? डैडी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे नई मम्मिया सेल में मिलती हो, जूते चप्पलों की तरह। अरे सेल सेल सेल, एक मम्मी के साथ तीन बच्चे फ्री, दिवाली डिस्काउंट पर आ जाइए। चुप सेल, चुप बेटा, चुप चुप। इतनी जल्दी लाइट ऑफ कर दे। हाँ, लाइट ऑफ कर दो, चलो। नहीं शेखर, शेखर तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? क्या हो गया? बच्चे कितने शांत हैं, है ना? शांत है? हाँ? हद करती हो शिखा, तुम कितनी शक्की हो। अरे अपने छोटे छोटे बच्चे बेचारे थक के सो गए होंगे, अब वो हमारी तरह आतंकवादी थोड़ी हैं। फिर भी मैं एक बार देख कर आती हूँ। शिखा, जाने भी दो, बेचारे सो गए होंगे, हमारे स्वीट लिटिल एंजल्स। हमारे स्वीट लिटिल एंजल्स। अरे ये क्या? गुड नाइट। गुड नाइट? देखो रचना, नो मिस्चीफ नाउ,
जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। डैडी मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है? देखो बेटा, हम दोनों को इस तरह से तंग करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं आपको तंग कहाँ कर रही हूँ? तो क्या कर रही हो? मैं तो हमेशा की तरह आपके पास सोने आई हूँ। देखो बेटा, अब तुम हमेशा की तरह मेरे पास नहीं सो सकती, तुम्हारी मम्मी कहाँ सोएगी? इसका मतलब आप हमसे ज्यादा इनसे प्यार करते हैं? देखो रचना, तुम सुनो, अगर तुम ये सोच रही हो कि इस तरह से तंग करके अपनी मम्मी और डैडी को अलग अलग रखोगी, तो एक काम करो, तुम जाके विजय और मीनी से मिलके एक ऐसा प्लान बनाओ जो काम कर जाए। तुम छह बच्चों में कितना कुछ कॉमन है ना? मिलजुल के बेटा एक अच्छा सा प्लान बनाओ अपनी मम्मी और डैडी को सीधा करने का, समझ गई ना? अब जाके सो, चल। नहीं डैडी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। चलो। नहीं, बहुत बदमाश हो गई। चल नहीं डैडी, चल नहीं, चल। चली लड़की है ये, बदबू। चल चल, गुड नाइट और स्वीट लिटिल एंजल। वो आदमी क्या? कपड़े भी नहीं पहनता। तुम किसी भी काम की नहीं हो। मिन्नी, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें इतना तंग करेंगे कि दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए और फिर मम्मी उस आदमी को डिवोर्स दे देगी। और फिर हम सब अपने घर जाएंगे। अब शुरू होगी मेरी महाभारत। देख रहा हूँ भिकमंगों को कैसे निकालता हूँ इस घर से। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ देख रहे हो, खून का बदला खून। लेकिन सबसे पहले हम उस आंटी जी को डैडी के कमरे से बाहर निकालना होगा। हमारी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। We have to do something now. मोंटी, मोंटी उठ, मोंटी उठ। सुधरोगे तुम लोग? मम्मी, जवान बेटे को ऐसे डांटते नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है। मम्मी, ये वाज विजय ने नहीं तोड़ा, ये इन्होंने तोड़ा है। ये आपका फेवरेट वाज था ना? वाह वाह, क्या बात, तोड़ो तोड़ो। इस घर में जो कुछ भी है सब तोड़ डालो। वो टीवी है ना, उसे भी तोड़ो। देख मेरी गर्दन बहुत अच्छा लगा। I'm very proud of you. तुम्हें बच्चों के साथ और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर मेरे नर्सरी के बच्चे होते तो आज तक। शिखा, वो नर्सरी के बच्चे नहीं है, वो मेरी एडल्ट्स हैं, हमारे माँ बाप। तुम समझते क्यों नहीं शेखर? हाँ समझता, लेकिन एक चीज बताओ, हम आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? हमारा पहला दिन है, आई मीन पहली रात। मम्मी, होमवर्क। मम्मी, कब सीखोगी अपना काम खुद करने को? ऑनेस्टली मम्मी, टाइम ही नहीं मिला, इतना सारा सामान और फाइटिंग, कल सबमिट करना है। अच्छा जा, विजय और सोनिया से कह दो, वो तुम्हारा होमवर्क करा देंगे। सब थक कर सो गए। तो फिर तुम भी जाके सो जाओ ना, कल देना है। मैं तुम्हारे टीचर से कल बात करूंगी, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ। जा। यंग लेडी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? नो। मिन्नी? यस। यस। अरे बाप, यस। चले। चले। चल। अरे आओ बाबा। क्या क्या प्रॉब्लम है? चलो बैठो। क्या हो गया?
क्यों? मुझे मैथ्स आती नहीं। नॉनसेंस, बिल्कुल झूठ बोलते, तुम्हें मैथ्स नहीं आती। सच्ची, मुझे मैथ्स आती नहीं, मुझे एडिशन तक नहीं आती और मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सच्ची। अरे तो एग्जाम कैसे पास करती हो तुम? तुम्हारी मम्मी जाके एग्जाम देती है क्या? नहीं ना, फिर तो तुम कॉपी करती हो। नहीं नहीं नहीं। करती हो ना? नहीं नहीं करती। गुड, वेरी गुड, कॉपी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं तुम्हें एक आसान सा सवाल करता हूँ, जवाब दोगी ठीक है? इफ 450 प्लस 49 इज इक्वल टू 459, देन हाउ मच इज 320 प्लस 49? आप मेरे टीचर जैसे हो, हमेशा डिफिकल्ट सवाल पूछते हो। अब जाते हो? ए, 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 यंग लेडी कहाँ चली? आप करो ना, मैं जाती। मैं करूँ? इतनी जल्दी हार मान जाओगी? अभी तो पूरी रात बाकी है, चलो बैठो। तुम्हें नींद आती है? हाँ। मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा सुनो, जब नींद आती है ना तो क्या करना चाहिए? चुटकुले सुनने चाहिए। हाँ, चुटकुले सुनाओ। हाँ। अच्छा क्या हुआ, तुम्हारी तरह का एक लड़का था, वो भी मैथ्स में हमेशा फेल कर जाता था। मुझे लगता वो भी फोर्थ स्टैंडर्ड में था। फिर क्या हुआ, उसका बाप बहुत नाराज हुआ रिजल्ट देख के और गुस्से से टीचर के पास गया और बोला, हे टीचर, तुम मेरे बेटे को हमेशा मैथ्स में फेल क्यों कर देती हो? तो टीचर ने क्या बोला पता है? क्या? क्या करूं जी, आपका लड़का पढ़ता ही नहीं है। मैंने उससे एक आसान सा सवाल पूछा था कि अगर मैं तुम्हें दो केले दूं और तुम्हारे पास पहले से तीन केले हैं तो कुल मिला के कितने केले हुए? पांच। लेकिन पता है उस लड़के ने क्या कहा? चार। तो मैं उसे कैसे पास कर दूं? पता है उस लड़के के बाप ने क्या किया? पूछो। उसने क्या किया, यूं जेब में हाथ डालकर एक चवन्नी निकाली और टीचर के हाथ पे यूं रख दिया और कहा, एक केले के लिए तूने मेरे बेटे को फेल कर दिया, ये चवन्नी ले जाके बाजार से एक केला लेके खा लेना, अब तो मेरे बेटे को पास कर दो। अच्छा था ना जो? I wish my daddy be... Daddy? मैं तो तुम्हारा हूँ ना डैडी बेटा। नहीं, मेरे डैडी तो मर चुके। डैडी नहीं, दोस्त तो बना सकती हो मुझे? हाँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना? आपको एक जोक बोलूँ? हाँ। नॉनवेज है? नॉनवेज? सुनो सुनो। अब मैं चाहती हूँ और डैडी। Good night, Dada. Da 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 da